तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब द डार्लिंग पर भास, द डायनासोर पर भास। भाई रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं ये लोग, और दूसरी तरफ डंकी भी चल रही है, जबरदस्त क्लैश चल रहा है। बावजूद इसके भाई साहब डायनासोर एक तरफा अब जो है अच्छी खासी कमाई करते नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो हॉलीडेज अभी देखने को मिले थे 31 दिसंबर का, देन न्यू ईयर का, उससे पहले सैटरडे संडे, भाई जबरदस्त तबाही मचाते नजर आया है और बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला है ना। अभी जो देखा जा रहा था कि स्कैम है, ये है, वो है, वो सब तो खैर चल ही रहा है, लेकिन बावजूद इसके भाई मेकर्स भी अब फुल एक्टिव हो चुके हैं। मेकर्स अपनी तरफ से भाई रिपोर्ट या फिर जो डेटाज हैं ऑफिशियली अपनी तरफ से रिवील आउट कर रहे हैं। जो पहले 10 दिन का इन्होंने 625 करोड़ के आसपास डेटा दिखाया था, भाई साहब पहले 11 दिन में ये मूवी कल कितना कलेक्शन कर चुकी, मतलब कल ये न्यू ईयर पे क्या तबाही मचाते नजर आए भाई साहब, सॉलिड तबाही मचाते नजर आए हैं। क्योंकि मंडे था, फ्लेक्सिबल था, फ्लेक्सिबल हॉलीडे था, कहीं ना कहीं भाई साहब काम भी चल रहा था, बावजूद इसके अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिला। सभी चीज़ों पर बात करेंगे, कैसा क्या कलेक्शन रहा है भाई, सालार के नाम कितना अभी तक आ चुका है, डंकी के नाम कितना आ चुका है, 1000 करोड़ की रेस में कौन पहले पहुंचने वाला है, कौन नहीं पहुंचने वाला है, क्या करना है। वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। सालार 11 दिन कल कंप्लीट कर चुके हैं और आज 12वें दिन पर यह मूवी एंट्री मार चुकी है। नेट इंडिया से कल एंड ऑफ द डे तक 15 करोड़ 50 लाख का ह्यूज कलेक्शन आते नजर आया है। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन वही 19 करोड़ एंड ओवरसीज से 9 करोड़ का भारी भरकम बजट ही अपने खाते में लेते नजर आई है। कल न्यू ईयर पे कई जगह ये भी देखने को मिल रहा था भाई साहब, हाउसफुल चल रहा था शो पूरी दुनिया से, कल एंड ऑफ द डे तक 28 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रखते नजर आ रही है मूवी। और पहले 12 दिन में नेट इंडिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 360 करोड़ 82 लाख का कलेक्शन कर चुकी है। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन वही 426 करोड़ के आसपास हो चुका है। पूरी दुनिया से 653 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में ये मूवी रख चुकी है अकॉर्डिंग टू मेकर्स। बट सैकनिक की बात माने तो भाई साहब अभी भी सैकनिक और इसकी रिपोर्ट में लगभग 90 से 95 करोड़ का फर्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बॉक्स ऑफिस सैकनिक है उनके डेटाज अलग है, बट जो ऑफिशियल मेकर्स की तरफ से आ रहे हैं उनके डेटाज अलग हैं। तो किसका कितना सही है क्या नहीं है भाई, वो आप लोग तय करना, क्योंकि यहाँ भाई बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात तो है भाई साहब, सलार में वो पोटेंशियल है, क्योंकि एक्शन मास में यार इतना वायलेंस इस मूवी में या इस टाइम नहीं देखने को मिला था। मतलब स्टार्टिंग ही पूरा मूवी का जो थीम है, जो पूरा मूवी का एरा है, उसमें और कोई कहानी है ही नहीं, वायलेंस से ये मूवी स्टार्ट होती है और वायलेंस के ऊपर ही ये मूवी दिखाई जा रही है। वायलेंस के दम पर ही आपको सत्ता मिलने वाली है, और जिसके पास वायलेंस है, जिसके पास भाई साहब बहुत भर के वायलेंस है, वही इस पर राज करने वाला है। तो आफ्टर ऑल कुछ भी हो भाई, कहानी का कंटेंट कुछ भी हो, कहानी कुछ भी हो, बस रिजल्ट में रूट कॉज वायलेंस ही है, और इसी के दम पर ये मूवी चली है और जबरदस्त तरीके से फाड़ के कमाई कर रही है। दूसरी तरफ डंकी की बात करें तो आज 13वें दिन पर ये एंट्री मार चुकी है, लेकिन कल न्यू ईयर पे क्या तबाही मचाई है भाई, सॉलिड तबाही मचाई है एक्शन मास के सामने, क्योंकि मसाला मूवी को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। लेकिन भाई साहब राजकुमार हिरानी भी बिल्कुल पीछे नहीं है, इन्होंने भी जो काम किया है इस बार डंकी में, फाड़ के काम किया है। मतलब वो जो थीम, वो जो चीज़ें पीके, थ्री इडियट्स में जो काम कमा के लाए थे, वो रेस्पेक्ट भाई, वो चीज़ इसमें भी फॉरवर्ड होते नजर आई है राजकुमार हिरानी के लिए, क्योंकि मूवी दमदार है वो। और कल डे 12 की बात करें, न्यू ईयर की बात करें, तो अच्छा खासा कलेक्शन आते नजर आया। नेट इंडिया से 9 करोड़ 5 लाख का एंड ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 12 करोड़, ओवरसीज से लगभग 8 करोड़ एंड पूरी दुनिया से 20 करोड़ के आसपास ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कमाते नजर आ रही है। जबकि भाई साहब क्लैश चल रहा है, सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर नहीं, वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी चल रहा है। एक्वामैन 2 फाड़ रही है, वो ओवरसीज में इतना अच्छा कलेक्शन नहीं करने दे रही है इन दोनों मूवीज़ को, लेकिन भाई साहब फिर भी इन ये दोनों मूवी अपने कंटेंट के दम पर जो नाम कमाया है शाहरुख खान ने, जो नाम कमाया है पठान जवान के साथ, प्रभास ने जो नाम कमाया है बाहुबली के साथ, भाई साहब उसकी वजह से ये फिर भी बहुत फाड़ के कमाई करके लेके आ रही है। DCU की मूवी को भाई टक्कर दे रही है दोनों इंडियन मूवी हमारी। पहले 12 दिन में डंकी का कलेक्शन हो जाता है नेट इंडिया से 196 करोड़ 77 लाख एंड ग्रॉस इंडियन कलेक्शन हो जाता है भाई साहब इस मूवी का 235 करोड़ 75 लाख एंड ओवरसीज से कलेक्शन आते नजर आ रहा है 145 करोड़ के आसपास एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ये मूवी भाई साहब 400 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी है। और वो दिन दूर नहीं जब ये मूवी 500 करोड़ के क्लब में भी एंट्री मार जाएगी। और
डेफिनेटली मार जाएगी, क्योंकि जो इसके सामने मूवीज आने वाली है भाई साहब, हिंदी रीजन में कोई कंपटीशन नहीं मिलने वाला है, सिर्फ सालार से जितना मिलेगा मिलेगा। लेकिन तो भाई साहब डंकी के लिए फुल मौका है कि ये मूवी सिर्फ 500 करोड़ नहीं 600 करोड़ के क्लब में भी एंट्री मार जाएगी। तो भाई साहब आपने अगर दोनों मूवी देख ली तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी कौन सी लगी? भाई मुझे दोनों मूवी बेस्ट लगी है। एक एक्शन मास मसाला के दम पर जो नंबर दिखाया है, मतलब साल की बिगेस्ट एक्शन मूवी अगर हम कह लें, वायलेंस के नाम पर भी अगर हम कह लें, कुछ जो लॉजिकल चीजें हैं उसको हटा के, क्योंकि अगर यहाँ लॉजिक लगा दिया तो भाई साहब वो एक्शन मूवी थोड़ा सा मजाक बन के रह जाएगी। लेकिन उस लॉजिक को हटा दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ जो प्रशांत दिल दिखाना चाहते थे उनके नजरिए से देखें तो भाई फाड़ मूवी है। लेकिन अगर डंकी की तरफ देखें तो भाई साहब बहुत से जो एक छोटे से मुद्दे को इतने बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, जो रियल इशू है भाई साहब उसके बारे में बात करी गई है, उससे वैल्यूएबल लेसन मिला है, ढेर सारा कॉमेडी फन इमोशन बहुत कुछ मिला है, तो वो मूवी भी दमदार चल रही है। तो दोनों मूवी क्या कितना कलेक्शन करने वाली, क्या सालार 1000 करोड़ टच कर लेगी, क्या डंकी 600 करोड़ या 500 करोड़ टच कर लेगी, आप लोग क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।